I need to leave. Bye bye. Yes. तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन लाइक नेवर बिफोर। भाई साहब, नागालैंड के अंदर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है लाइक नेवर बिफोर ही हो रहा है मेरे साथ। फिलहाल मैं हूँ एक गांव में, उस गांव का नाम है मालवोम, जो कि नागालैंड का कैपिटल कोहिमा और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दिमापुर के बीच में आता है। सो दिमापुर से 2 बस लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मालवोम गांव पे। और ये गांव जो है इसलिए फेमस है, पाइनएप्पल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये गांव। और चारों ओर जो है, गांव में जब एंटर कर रहा था सिर्फ पाइनएप्पल और पाइनएप्पल दिखाई दे रहा था। तो जब मैं कोहिमा से दिमापुर की तरफ रिटर्न जा रहा था ना, तब सोचा कि देख रहा था रास्ते के साइड में जो है बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल्स दिखाई दे रहा था और पाइनएप्पल्स का फार्म भी दिखाई दे रहा था। तो सोचा जाके देखता हूँ कि पाइनएप्पल का फार्मिंग एक्चुअल में होता कैसा है। तो आ गया हूँ मैं मालवोम गांव पे, दिमापुर से कुछ 35 किलोमीटर बाद। 2 बस चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और यहाँ पर पहुँचने के बाद एक अंकल जी मिले, वो मुझे लेके जा रहे हैं। उनका पैर में दर्द है लेकिन फिर भी मुझे लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। ओके अंकल जी, बाय बाय। तो अभी जिसके अंदर से मैं चल के जा रहा हूँ ये है पाइनएप्पल का पेड़। ये मुझे लगा नीचे होता है, ये बहुत बड़ा है भाई। ये पर अंकल जी जो है चल नहीं पा रहे थे और मुझे रास्ता दिखा रहे थे कि वो जो है मालिक का घर है। सो वहाँ पे चलूँगा, मालिक के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे कि फार्मिंग जो है होता कैसे है। ये देखो भाई कितना बड़ा, बहुत बड़ा है भाई। सो ये रहा उनका मालिक का घर। किसी के घर में तो घुस आया हूँ पर पता नहीं क्या बोलेंगे, किसी के घर में तो ऐसे घुसना नहीं चाहिए। पर वो अंकल जी बोले हैं इसलिए मैं इधर आ गया, नहीं तो ऐसे घुसना किसी के बगीचे के अंदर सही नहीं होता भाई। टू नो दैट हाउ दिस थिंग्स यू नो ग्रो एंड हाउ यू कल्टिवेट दिस थिंग्स। सो कितना टाइम लगता है, ये जो पाइनएप्पल है कितना टाइम लगता है होने में? मतलब मालिक दादा को आप हो means from the planting? हाँ, from the planting. From the planting we plant by we usually plant by March-April ना? March and April. So next year it took almost 1 year. Yeah. The next year by July-August. We can harvest it. So like all but some, na? Half will bear fruit. Okay. So एक साल के आसपास लग जाता है जब से. Second years all will bear fruit. Okay. So मैं जो है थोड़ा wrong time पे आ गया हूँ, उतना पका नहीं है इनका. So almost जो है it's like almost finished right now. It's the beginning. Part is the beginning, it doesn't bear fruit yet, no, but part not the one because they have already started. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Your house is beautiful. मुझे उस तरफ से आना नहीं चाहता। मेन किसी के घर पे अगर जाना हो ना तो बैक गेट से नहीं जाना चाहिए भाई, फ्रंट गेट से जाना चाहिए। मैं जो है उनका फार्म की तरफ से एंट्री किया, वो अंकल जी मुझे बोले कि आप इधर से जाओ। अब मैं चला आया उधर से तो ये लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे थे कि ये कौन आ गया बोल के। फिर जब मैं इनसे बात किया तो समझ गए कि नहीं ये बंदा बहुत दूर से आया। तो उन्होंने फिर हाँ बहुत सारी चीज़ें बताई और चाय वाय भी पिलाए भाई। जो खेती है ना वो इसी के अंदर पूरा भरा पड़ा है। और वो है गाँव एक्चुअल, जो लोग खेती करते हैं, जो जिनका बड़ा बड़ा फार्म है वो है ऊपर गांव। मैं यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा था एक भाई से। कुछ लोग हैं जो लोग कैमरे के आगे आना नहीं चाहते, सो मैं उनका प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी चलूँगा फिर से चल के ऊपर की तरफ। 1 किलोमीटर के आसपास है। अगर गेस कर पा रहा हो तो रास्ते से घूमते हुए जो है फिर से इस पहाड़ पे आना है, क्योंकि रास्ता इस तरफ से है नहीं, पूरा टोटल फार्मिंग है। गाड़ी में भर भर के भाई पाइनएप्पल लेके जा रहे हैं। और ये रहा एक्चुअल जो है विलेज का नाम। मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ, कोई गांव वालों को पूछ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा फार्म दिखाने ले चलो, वो लोग और ऐसे भी 3 बजने वाला है तो कोई लेके नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका गांव में फेस्टिवल है और ऊपर से शाम होने वाला है। जांग जांग ओके, आई कॉल यू जांग, ओके जांग ब्रो। तो जांग भाई जो है मुझे उनके गाँव में मिले और उनके गाँव में कुछ यूथ फेस्टिवल चल रहा था तो वहाँ पर मुझे मिले भैया, जो है मुझे देख के यहाँ पे उनके गांव में जो एक्चुअल जो फार्म है वहाँ पे लेके आए रहे जैंग भैया। सो ज़्यादातर लोग जो है गांव में सिर्फ ये खेती करते हैं, ये मेन सोर्सेस है इनकम का, है ना। आई कैन सी पीपल, यू पीपल आर वेरी रिच, द हाउसेस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड योर्स वन इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल आई कैन से। सो कैन यू गो जस्ट बिट ऑफ फर्दर। सो ये रहा भाई, अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ये कब होने वाला है, यही देखो, ये एक बड़ा अभी हो गया, ये विंटर का है, विंटर के समय में होगा, विद इन दिस मंथ ये पक जाएगा। ये अभी पूरा काचा है, पका नहीं, कच्चा है, पूरा काचा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है, 2-2.5 किलो के आसपास होगा एक, बहुत बड़ा है। तो थोड़ा पुराना हो गया ना, और इसको चूहा भी खाते हैं। हाँ, ये देखो, इसको चूहा खा गया, इसको और पी। हाँ। तो यू पुट सम केमिकल इनटू टू सेव दिस, नथिंग, नो केमिकल। सो ये जो है पाइनएप्पल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है भाई, कुछ भी केमिकल नहीं डालते हैं। कंडीशन देखो, हम लोग तो बायो विलेज अंदर में है ना। हाँ, बायो विलेज आपका। हाँ, वहाँ पे मैं पोस्टर देखा था जब एंट्री कर रहा था। So it's huge, I mean there are, ये पूरा बागान पूरा भरा हुआ है, 10,000 एकड़ सर, बहुत बड़ा गाँव। हाँ, बहुत बड़ा गाँव है आपका ना। मैं मतलब बीच में हूँ, आधा वे पे आया हूँ सिर्फ। ये तो okay. एक आदमी का है, ये एक आदमी का है। It's like 4 or 5 acre maybe. It's very big, I can see. So ये होने में पूरा 1 साल लग जाता है, पूरा रेडी होने में 2 years के आसपास लग जाता है ऑलमोस्ट। ये एक पक गया है, पका है, ये वाली पक गया है। मैंने इतना बड़ा जो है पाइनएप्पल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये बहुत बड़ा पाइनएप्पल है, बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि कुछ केमिकल नहीं डालते हैं लोग, जिसकी वजह से पाइनएप्पल जो है बहुत बड़ा होता है ना। ये हमारे उधर ना छोटा होता है, ये ऐसे साइज का होता है ऐसे। और ये देखो, ये यहाँ पे कीड़ा खा गया शायद, कुछ तो खा गया इसको, ये बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ 2 किलो के आसपास। अभी चलेंगे गाँव में। गाँव में जो ना इनका जो घर है ना भैया का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत गाँव है इनका। लेके जाएगा एक तो, लेके आपका है ये? नहीं, दोस्त का है। ये देखो, ये कितना बड़ा है, ये 2 किलो के आसपास होगा भाई, ये एटलीस्ट 1.5 किलो 2 किलो के आसपास होगा। 1.5 किलो ऐसे। इट्स ह्यूज। ओके, चलते हैं भैया। तो ये भाई के घर पे आया हूँ अभी। भाई का घर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत घर है। हेलो ब्रदर, मामा, हेलो से, हेलो, ओके ब्रो। सो यू हैव अ बिग फैमिली, आई मस्ट से। एंड भैया का जो है मम्मी है, ये जॉइंट फैमिली। थैंक यू। Okay, thank you. Bye bye. And then I need to leave because I have my train to catch. So okay. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Yes. Okay, bye. So nice to meet you, brothers. Yeah. I mean, I had a great time. Yeah. So thank you. Okay, okay, bye bye. Bye bye. Bye. So लोग जो थे ना भाई, बड़े प्यारे लोग थे भाई। So लोग कहते हैं कि नागालैंड के लोग ऐसे हैं वैसे डेंजर होते हैं भाई, नागालैंड मत जाइए भाई। मैं अकेले घूम रहा हूँ पिछले 15 दिन से नागालैंड के अंदर, एक भी बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ नहीं है। लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और वेलकमिंग भी है। आप उनके घर पे जाओगे तो वो आपको मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे। और भाई रास्ते से जो है फ़िलहाल अकेले चल के जा रहा हूँ भाई। कह सकते हो इंडिया का जो है ये पाइनएप्पल विलेज है। इस गांव का मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जो है पाइनएप्पल है। लोग जो है हर तरफ, गांव बहुत बड़ा है। सुबह सुबह अगर मैं यहाँ पे आ पाता ना तो शायद मैं इस गांव में एक रात रुक पाता, पर ठीक है, अगली बार फिर से आएंगे इस गांव में। और भैया के साथ जो थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया है, तो अगली बार जो है जब भी आऊँगा इस गाँव में एक रात ज़रूर बिताऊँगा। बस गाँव से निकल ही रहा था, बड़े भाई से लिफ्ट मिल गया है पूरा दिमापुर तक, वो भी। तो लिफ्ट के मामले में ना, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ नागालैंड के अंदर 2 मिनट में मिल जाता है भाई। इस लिफ्ट के मामले में जो है मैं बहुत लकी हूँ। सो व्हाट्स योर नेम ब्रदर? आई एम पास्टर जेरेमिया। पास्टर है, पास्टर। आई विल कॉल यू पासो ब्रो। या सो पासो ब्रो जो है मुझे दिमापुर तक छोड़ देंगे अभी। यहाँ से कुछ इट्स लाइक 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। दिस इज योर विलेज ब्रदर? I'm from Manipur. You're from Manipur? Yes. Oh, so you're working here? Yeah, I'm serving as a pastor, the Christian church, no pastor. You know, they like a pandit. So you are working in a church? Yes, church ministry. Oh, okay. The we call it like a temple, no? The church. Oh, yes, yes, yes. That's the temple. I understand. I'm the pandit of the church. Oh, I understand now. Pastor, so we call a pastor. Like it's like a pope. Yes, yes. So you are the pope? Yes, yes. Yes. This is 12th day in Nagaland. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, bro. And thank you for your kind gesture. I'm always there to help people. Yeah, I know. I mean, yeah. I mean, by seeing you, it looks a little bit different, no? No, that's okay, man. Everybody is human. We all are human, so that's okay. We should not be judging somebody by their looks. You know? What I mean is, you looks like you came from somewhere, no? Yeah, yeah, I know. Because of my, you know, I am carrying a bag and all. Yeah. So, yeah. No, people are very helpful. So there are some outside, you know, there are rumors in outside that people of Nagaland are not that, you know, helpful and all. Whoever watching this video, I can tell them that, see, Naga people are very helpful and who are welcoming as well. Yes, yes, yes. Those people who are just, you know, spreading those rumors, they have never been to Nagaland, I must say. So, जो लोग भी ऐसा बोलते हो ना, आप लोगों को एक बार नागालैंड आना चाहिए। पहले नागालैंड आइए, लोगों से मिलिए, उसके बाद जो है रूमर फैलाइए। उससे पहले इधर उधर का बातें बोलिए मत भाई। When you go to inter area in Nagaland, roads are very poor. Yes. Yes. सबसे जा रहा हूँ, ये जो भाई देख रहे हो आप, इनका जो मैरी कॉम है ना, जो बॉक्सर की क्वीन है, इंडिया के सबसे बड़ा बॉक्सर है, लेडी बॉक्सर जो है उनका, वो जो है इनका आंटी है। My uncle got married with her. I mean, I'm so lucky. I'm meeting so many lovely people in Nagaland. Bye. Bye, bye, bro. Bye. Had a great time and nice to meet you, bro. Oh, I mean, yeah. Bye, 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 bye. Thank you so much. So, यहाँ से स्टेशन कुछ 2-3 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से एक ऑटो राइड लूँगा 20 रुपये का। तो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।